Who are confused कि क्या हमें बीटेक या हमें बी सी ए करना चाहिए या हमें बी एस सी कंप्यूटर साइंस में करना चाहिए भाई वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिहाइंड इट ये कोई हमको समझा दे तो हम अपना डिसीजन ले पाए कि हमको करना क्या है बेसिकली so इस वीडियो में हम साइंस स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के बारे में भी बताएंगे इफ यू आर अ कॉमर्स और एन स्टूडेंट, या फिर अगर आप क्लास टेंथ में हैं और आपको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अच्छा लगता है या उस डायरेक्शन में जाने का मन है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पीसीएम लिया है या कॉमर्स लिया है या पीसीबी लिया है या आपने आर्ट्स लिया है सो so, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके पास करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन से मैं डालता रहूंगा आप लोगों के लिए सो यस लेट्स टॉक अबाउट बीटेक बीसीए एंड बीएससी में व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं तो सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो जो बीटेक का कोर्स है इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है इयर्स तो ये चार साल का कोर्स है जो आपको करना रहता है जिसमें टोटल एट सेमेस्टर्स होते हैं सो इन फोर इयर्स यू हैव टू कंप्लीट बेसिकली एट सेमेस्टर्स लेट्स टॉक अबाउट बीसीए बीसी में क्या रहता है भाई सो बीसीए इज अ थ्री स्लैश फोर ईयर कोर्स सो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको बी सी ए कंप्लीट कराती है तीन साल में कुछ यूनिवर्सिटीज आपको बी सी ए कंप्लीट कराती है फोर ईयर्स में थ्री ईयर्स का जो प्रोग्राम रहेगा इसमें सिक्स सेमेस्टर्स होते हैं और फोर ईयर्स का जो प्रोग्राम है इसमें एट सेमेस्टर्स रहते हैं बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमको तो अपने एम्प्लॉयज ऐसे चाहिए जिन्होंने ग्रेजुएशन में फोर ईयर्स का कोर्स किया हो तो फोर इयर्स का कोर्स करने वाली बहुत सारी कंपनीज होती हैं पहले क्या होता था बहुत सारी कंपनीज में सिर्फ बीटेक के बंदे ही बैठ पाते थे सो so दो उस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई कर सकते थे बीसीए वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे सिर्फ एक क्राइटेरिया यहां पे फंसता था एंड दैट क्राइटेरिया वॉज कि जो बीटेक होता है वो फोर इयर्स का होता है जो बीसीए होता है वो थ्री इयर्स का होता है और बिकॉज ऑफ दीज थ्री ईयर्स क्योंकि वो एक साल ज्यादा नहीं पढ़ते हैं एट्टी परसेंट ऑफ द वालों को नहीं लेती थी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आज के टाइम में BCA four years का देना शुरू कर दिया है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी बताऊंगा तो फोर ईयर्स वाला बीटेक भी सॉरी BCA भी आ गया है मार्केट में ताकि आप वो एट्टी परसेंट कंपनीज में भी एलिजिबल हो पाओ जिसमें सिर्फ पहले बीटेक वाले होते थे

देखिए बीटेक कॉलेज अगर आपको मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज uh, मिल रहा है फ्रॉम आईआईटी ट्रिपल आईटीज मिल रहे हैं एनआईटीज मिल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं तो नथिंग लाइक दैट तो ये जो ये पूरा टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन ये यहीं पे खत्म हो जाता है आपको आंख बंद करके जेई के थ्रू जो भी कॉलेज मिल रहा है जेई के थ्रू आई मिल रहे हैं ट्रिपल आई मिल रहे हैं एन मिल रहे हैं अगर वो मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बीटेक ही करना चाहिए और कोई ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस बहुत कम होती है और प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है सो फीस स्ट्रक्चर की अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें देखो हर बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा हर बच्चा जेई का पेपर निकाल पाए आई या ट्रिपल आई में उसको बीटेक करने की अपॉर्चुनिटी मिले ये जरूरी तो नहीं है राइट एज ए रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाना पड़ता है अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है दैट डिपेंड्स फ्रॉम टू लाख से लाख का ये पूरा कोर्स है, जो चार साल का कोर्स है बहुत फीस है है जो साल का बहुत ज्यादा फीस दस से बीस लाख की फीस है चार साल की क्यों ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी ज्यादा पेनफुल होता है काफी ज्यादा हेक्टिक होता है लेट्स टॉक अबाउट बीसीए बीसी की जो फीस रहती है चार साल की आगे अगर बीसीए आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस से मिल रहा है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीसीए कर रहे हो एसआरसीसी हो गया हिंदू कॉलेज हो गया इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया इनकी फीस एज कम्पेयर टू बी काफी कम रहती है तो इसकी जो फीस होती है दैट इज वन पॉइंट से सिक्स लाख तक के बीच में रहती है जो तीन से चार साल के बीच में आपको खर्च करना रहता है तो 1.5 और 6 लाख 10 टू तो 20 लाख में बहुत बड़ा डिफरेंस है सेम इफ यू टॉक अबाउट बी एस सी कॉलेज फॉर कंप्यूटर साइंस तो इसकी भी फीस जो है वो वन पॉइंट फाइव से अराउंड फोर लैक्स के आसपास की होती है पूरे तीन साल की और फोर लैक्स में मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस बता रहा हूँ राइट right. तो बेसिकली फीस में अगर डिफरेंस देखा जाए तो काफी ज्यादा डिफरेंस है सो so, अब फीस क्यों बताई सर आपने फीस इसलिए बताई क्योंकि आपके घर पे क्या माहौल है आपके घर वाले कितनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं क्या वो टेन टू ट्वेंटी लैक्स अफोर्ड कर सकते हैं क्या वो वन पॉइंट फाइव से सिक्स लैक अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप फीस के बारे में देखें तो ये है अगर आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है जिसकी फीस हायर भी है तो आप वहां पे स्टूडेंट लोन लेके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं लेकिन आपको ये जरूर पता करना पड़ेगा कि क्या उस कॉलेजेस में अच्छे प्लेसमेंट्स हैं कि नहीं क्योंकि लोन आपको ही चुकाना है और आप तभी चुका पाओगे जब आपका एक अच्छा डिसेंट पैकेज लगेगा लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो पैकेज कितने का लगता है तो भाई जेई देखो फिर से आई ट्रिपल आई टीज एन की अगर हम लोग बात करें तो उसके पैकेजेस हायर लगते हैं काफी अच्छे पैकेजेस लगते हैं 20 20 30 30 लाख के भी पैकेजेस लगते हैं पर सबके नहीं लगते हैं अब अगर आप आज की डेट पे देखिए तो बहुत सारे आईआईटी से पास होने के बाद ज्यादातर लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं अन अकेडमी को ज्वाइन करते हैं बाईजूस को ज्वाइन करते हैं फिजिक्स वाला को ज्वाइन करते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स में वो आई वाले पढ़ा रहे हैं अब वो आई वाले उन जो आई से निकले वो उन कोचिंग्स में या उस पर्टिकुलर टीचिंग लाइन में क्यों पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छी जो तीस लाख चालीस लाख का पैकेज है शायद नहीं मिला होगा इस वजह से वो टीचिंग लाइन में आ गए दे। अब देखो इसमें दो चीजें भी हो सकती है इसमें ये भी हो सकता है कि भाई उसको पढ़ाना अच्छा लगता है टोटली डिफरेंट थोड़ा प्लेसमेंट की अगर बात करें तो आई आई टी का प्लेसमेंट डेफिनेटली किसी भी प्राइवेट कॉलेज से काफी अच्छा काफी बेटर होता है लेकिन सबका प्लेसमेंट नहीं लगता आई आई टी में भी जाके आप जब तक स्किल्स नहीं बनाएंगे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छे होंगे आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं अच्छे होंगे आपके सॉफ्ट स्किल्स नहीं अच्छे होंगे तब तक आप चाहे आईआईटी से भी पास आउट हो जाओ एक टैग तो लग जाएगा लेकिन बहुत से कर रहे हो, तो से भी यहाँ पे जो प्लेसमेंट जाती है वो दस से दस तो नहीं बोलेंगे दस ज्यादा हो जाएगा सिक्स लाख से अराउंडीन लाख तक की प्लेसमेंट आपको मिल सकती है ऑन कैंपस एज वेल एज ऑफ कैंपस जो पूरी की पूरी चीज डिपेंड करती है प्लेसमेंट में यहाँ पे वो डिपेंड करते हैं आपके स्किल्स तो स्किल्स कितने अच्छे हैं अगर आप नेटवर्किंग में जाना चाहते हो तो नेटवर्किंग में आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है नेटवर्किंग में आपको कितनी ज्यादा डीप नॉलेज है अपने आर्ट की अपने एजुकेशन की जो जो आपने पढ़ा सिमिलरली बात करें अगर प्लेसमेंट की बी में तो बी में जो प्लेसमेंट्स लगते हैं चाहे आप प्राइवेट कॉलेज की बात करो चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो यहाँ पे जो आपके पैकेजेस uh, लगते हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं लगते अराउंड फोर लैक्स से सिक्स लैक्स के आसपास मीन पैकेज होता है मतलब एवरेज पैकेज जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें भी जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं उनके कोडिंग के स्किल्स अच्छे हैं उनके सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हैं इन दैट केस यहाँ पे बीस लाख इक्कीस लाख के भी पैकेजेस लगते हैं And definitely अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे बी हैं।, हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ए किया और उनके अच्छे पैकेजेस लगे टॉक अबाउट बी एस तो बी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज होता है ये वही होता है चार से छह लाख का एवरेज पैकेज होता है और यहाँ पे ज्यादातर ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लें, ज्यादातर जो प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट ही होते हैं। का मतलब हो गया, किसी ने वैकेंसी निकाली आपने उस के लिए अप्लाई किया आपने दिया, आपने रिटेन दिया, और आप उसको क्रैक कर ले गए तो आपको बी के थ्रू भी सॉफ्टवेयर कंपनीज में घुसने को मिलेगा कंपनीज लाइक टीसीएस विप्रो एच सी एल डेलॉइट ऐसी कंपनीज आती हैं बी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को इम्प्लॉयमेंट देने के लिए सेम इज द केस विद बी सी ए यहाँ पे जो आपकी कंपनीज है लाइक कंपनी के बच्चों को भी बहुत जबरदस्त तरीके से लेके जाती है देखिए जो बीटेक का कोर्स है और बीसीए और बी एस सी में कौन सा बेटर है ये आपकी चॉइस है ये मैं नहीं बताऊंगा ये आप डिसाइड करेंगे प्लेसमेंट के फॉर्म में अगर बात करें तो एक बच्चा जिसने बीटेक किया है एक बच्चा जिसने बी किया है एक बच्चा जिसने बी किया है तीनों ही इक्विवेलेंट स्किल्स के हैं तीनों को बराबर चीजें आती हैं तीनों ने एक कंपनी में अप्लाई किया तो किसका प्लेसमेंट होगा अगर तीनों बिल्कुल बराबर हैं हर चीज में तो उस केस में जबरदस्त प्रेफरेंस मिलती है बीटेक वालों को तो यस बीटेक वालों को काफी प्रेफरेंस मिलती है अगर उन्होंने बीटेक किया हुआ है तो उनको सॉफ्टवेयर कंपनीज में प्राइवेट कंपनीज में काफ़ी प्रेफरेंसेस मिलती हैं बीटेक वाले बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते जो बीसीए या बीएससी वाले कर सकते हैं बीएससी वाले आगे चल के बी के बाद एमएससी कर सकते हैं यहाँ से और एमएससी करने के बाद बेसिकली जो बीएससी का कोर्स है ना उसमें बच्चे ज्यादातर जो होते हैं वो रिसर्च की तरफ जाते हैं <coughs> सॉरी तो अगर आपको रिसर्च की तरफ जाना है आपको पढ़ाई अच्छी लगती है आपको सॉफ्टवेयर में घुसना है आपको बहुत पढ़ाई से मजा आता है तो बी एस सी इज बाद आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में जा सकते हो बी एस सी सिर्फ बी एस सी करोगे तो भाई कोई नौकरी नहीं लगेगी बी एस सी के साथ साथ आप अपने स्किल्स बनाओगे तो डेफिनेटली आपको बी एस सी के साथ साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स uh, की तैयारी करते हो लेट से एस एस सी लेट से रेलवे आर्मी सी डी एस एफ कैट अगर आप इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो तो यस आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो वहां से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे अगर आप साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो दैट इज द कंडीशन बीसीए बीसीए के बाद भी आप MCA कर सकते हो अब देखो जो BCA और MCA है प्लस तो दंडीशन एमसीए का कोर्स होता है दिस इज अ टू ईयर कोर्स अगर आप बीसीए प्लस एमसीए कर लेते हो तो दिस इज इक्विवेलेंट टू बीटेक तो ये बीटेक के इक्विवेलेंट होता है एमसीए करने की भी जो फीस होती है वो दो से चार लाख के बीच में आती है सो so बेसिकली अगर आपके पास बैकअप है आपको पता है कि भाई मेरे मम्मी पापा के पास पैसा है वो 10 से 20 लाख खर्च कर कर सकते हैं मेरे प्राइवेट कॉलेज में बीटेक पे तो आप बीटेक करो बीटेक आपको डेफिनेटली ज्यादा रिजल्ट देगा ज्यादा बेटर है लेकिन अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है आपको जेई नहीं मिल रहा आपको जेई से कोई आई नहीं मिल रहा ट्रिपल आई टी नहीं मिल रहा पैकेज आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हो देन यू कैन गो फॉर बीसी बीसीए के बाद एमसीए भी करोगे तो बी सी एम सी एज इक्वल इन टू बीटेक अगर BCA, MCA का एक बंदा बैठा है और सेम स्किल्स के साथ एक बीटे का बंदा बैठा है उस जगह भी वाले बंदे को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है ये तो बात फॉर श्योर है ठीक है लेकिन बीसीएमसी में अगर आपके अच्छे स्किल्स हैं आप लोगों को जावा के बारे में पता है पाइथन के बारे में पता है किसी भी एक्सवाइजेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कमांड है आपको डीबीएमएस का कमांड है डेटाबेस का कमांड है आपको डा का कमांड है आपको एल्गोरिदम्स आती हैं देन दैट केस आप बीसीए एमसीए करके भी बहुत चीजें अच्छी कर सकते हो एक चीज बताता हूं बीटेक करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है पीसीएम आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए लेकिन बीसीए करने के लिए 90% कॉलेजेस ऐसा नहीं मानते 90 मांगते हैं कि आप सिर्फ ट्वेल्थ पास होने चाहिए ऑफ आपने पीसीएम लिया था आपने पी सी बी लिया था आपने कॉमर्स लिया था इवन नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जिनके पास क्लास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं भी है वो भी बी सी ए का कोर्स कर सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैथ्स को एज अ कम्पल्सरी सब्जेक्ट मांगती हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी मैथ्स को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं मांगती है सो इफ यू यू आर फ्रॉम अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड देन आल्सो कैन डू आप BCA कर सकते हो आपको कॉलेजेस देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो मैथ्स क्लास ट्वेल्थ में नहीं मांग रहे हैं राइट right? अगर वो मैथ्स नहीं मांग रहे हैं आपके पास मैथ्स नहीं है तो भी आप बीसी कर सकते हो आई हैव फ्यू पीपल इन माई फैमिलीज जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के थे उन्होंने बीसीए किया उन्होंने एम किया और आज बहुत अच्छा पैकेज तीस चालीस लाख रुपए आज की डेट में कमा रहे हैं उनको वहां तक पहुंचने में लगा करीब छह से सात साल तो लगा लेकिन तीस चालीस लाख का पैकेज हो गया है और अब वो जो जब भी जंप मारेंगे दूसरी कंपनी में तो उनका पैकेज और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा प्राइवेट नौकरी की मैं बात कर रहा हूं हाँ गवर्नमेंट में जाना है तो भी आप बीसीए कर सकते हो गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं बीसीए के साथ साथ ठीक है बी के बाद अगर आपने एमएससी कर लिया और एमएससी के बाद आप पी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो वो भी वहां पे ऑप्शन है पीएचडी के साथ जो गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं उसमें वो थ्री इयर्स का कोर्स मांगते हैं सो so, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप बी एस इन कंप्यूटर साइंस करिए उसके बाद आप बी की एक डिग्री लीजिए आप किसी भी स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर पढ़ा सकते हो जिसमें आपको चालीस से पचास हजार रुपए महीना मिल जाएगा तो so, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू वॉन्ट टू टीच क्योंकि आजकल भाई इंडिया में अच्छे टीचर्स नहीं है आप सभी इस बात से इतफाक रखते भी होंगे कि भाई अगर अच्छे टीचर्स सबके स्कूल में ही मिल जाए तो सबको बाहर जाने की क्या जरूरत है कोचिंग ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है लेकिन अच्छे टीचर्स इंडिया में नहीं है शॉर्टेज है एज अ रिजल्ट अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं आपके अंदर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप बी एस कर सकते हो बी एस करने के बाद कंप्यूटर साइंस में आपके लिए काफी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती है दैट इज क्लियर ठीक है एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो बीटेक के लिए सबसे अच्छा जो एंट्रेंस एग्जाम है भाई वो सबको पता ही है वो तो है जेईई सो जेईई के थ्रू आप आईआईटी ट्रिपल आईटी टी एन आई टी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो लेकिन क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दैट इज वेरी वेरी टफ वेरी वेरी डिफिकल्ट एज अ रिजल्ट हो सकता है आपका इसमें हो भी जाए हो सकता है आपका इसमें ना भी हो क्योंकि जितने बच्चे देते हैं ऑल ओवर इंडिया से उसमें सिर्फ वन परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो आई क्रैक कर पाते हैं बी की अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो बी के जो प्राइवेट कॉलेजेस है कुछ बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस जैसे सिम्बाइसिस पुणे क्राइस्ट बैंगलोर और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी देखो जो ये मैंने पहले दो बताए सिम्बाइसिस पुणे एंड क्राइस्ट बेंगलौर ये काफी अच्छे कॉलेजेस हैं बी के लिए इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है इस एंट्रेंस एग्जाम में वही सेम चीजें पूछी जाती हैं जो आपके उसमें पूछी जाती हैं किसमें सी में सो सी यू का अगर आपको पता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आप जी की तैयारी करते हो आप इंग्लिश की तैयारी करते हो जी के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आता है कुंट वो आता है आपका रीजनिंग जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं एलआर आर रीजनिंग आता है इसमें इंग्लिश आता है और इसमें जी के जी एस आता है या जी ए आता है ठीक है तो ये सारी जो चीजें आप जी टी में पढ़ते हो यही सेम चीजें पूछी जाती है सिम्बाइसिस पुणे और क्राइस्ट बैंगलोर में सो इफ यू वॉन्ट कि आप सिम्बाइसिस पुणे या क्राइस्ट बैंगलोर से बी सी ए करना चाहते हो तो आप ये जो तैयारी कर रहे हो जी टी की उन सब्जेक्ट्स के थ्रू आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं सिम्बाइसिस के क्राइस्ट के सेंट जेवियर्स के अगर आप भरना चाहते हो तो भर लो जो लास्ट डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है तो अप्रैल की जो फर्स्ट वीक है आप जल्दी से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये सारे फॉर्म्स भर सकते हैं इफ यू आर ट्राइंग या इफ यू आर हैविंग हैविंग अ इन योर माइंड दैट मुझे बी करना है या मुझे एक बैकअप रखना है जेई का देखो जेई का बैकअप रखना एक अच्छा चॉइस है इट्स नेवर बैड कि आप एक बैकअप बना के चलो क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है एज अ रिजल्ट अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है सो यू विल बी लूजिंग वन ईयर ऑफ योर लाइफ एक साल बर्बाद मत करो जेई दे रहे हो आपको बीटेक करना है आईआईटी से करो उसकी तैयारी करो अभी तक अगर तैयारी कर लिए बहुत अच्छी बात है हो जाता है बेस्ट है नहीं होता है यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप बैकअप में क्या क्या हो सकता है भाई बैकअप में आप बीसीए डाल सकते हो आप बीएससी डाल सकते हो दोन सिर् आप सिविलना चाहते हो तो अगेन बीटेक एक हेवी कोर्स है जिसमें आपको आर्ट सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बीटेक से बेटर है अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी आप बी सी ए करो या बी एस सी इन कंप्यूटर साइंस करो और साथ साथ सेकेंड ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दो वहां पे आपका सिविल सर्विसेज क्रैक करना ज्यादा इजियर होगा एज कंपेयर टू अगर आप बीटेक के साथ करोगे क्योंकि दिस इज अवी कोर्स राइट ये एक टेक्निकल कोर्स है इसलिए ये हैवी है ये दोनों ही थोड़े से थ्योरिटिकल ज्यादा है ऑल बी बीटेक में लास्ट सेमेस्टर में आपके पास एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है इंटर्नशिप के भी कहीं कहीं पे चांसेस मिलते हैं

थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है तो अगर आपको थ्योरेटिकल इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो बी एस सी इज अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू बी सी अब बात करते हैं बी एस सी ऑनर्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं सर अगर आपको बी एस सी ऑनर्स में अप्लाई करना है तो बी एस सी ऑनर्स का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है दैट इज डेली यूनिवर्सिटी डेली यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो डेली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेजेस जैसे एस आर सी सी हो गया हंस राज हो गया हिंदू कॉलेज हो गया लेडी फातिमा कॉलेज हो गया राइट दीज आर द दॉलेज जिसमें आप आंख बंद करके डेली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो फॉर बी एस सी ऑनर्स बी एस सी ऑनर्स में अगर आप डेली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो इसके लिए एंट्रेंस के लिए यूल हैिव दिनेशन ऑफ सी यू टी दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसके लिए आपको प्रिपरेशन क्या करनी पड़ेगी इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लैंग्वेज का सब्जेक्ट जो ज्यादातर लोगों के पास इंग्लिश या हिंदी के फॉर्म में आप भर सकते हो देन साथ ही साथ जी भी पूछा जाता है जनरल टेस्ट की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी बी के जो अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गई जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई ये कॉलेजेस भी आपको सी के थ्रू ही मिल रहे हैं सो so बी के अच्छे कॉलेजेस प्राइवेट को छोड़ के जो दो कॉलेजेस मैंने आपको प्राइवेट के बताए वो खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें आता वही है जो सी में आप प्रिपरेशन करते हो तो अगर आप सी की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आप सिम्बाइसिस जेवियर्स और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इनको भी भर सकते हो फॉर बी अगर आप कंप्यूटर uh, सॉफ्टवेयर की लाइन में जाना चाहते हो इवन इफ यू आर नॉट अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी है क्लास इलेवन ट्वेल्थ में तब भी आप अप्लाई कर सकते हो बी सी ए के लिए इट्स एन ओपन ग्राउंड फॉर ऑफ यू सो यूनिवर्सिटी के जो अच्छे बी एस सी ऑनर्स के मैंने जो आपको कोर्सेज बताए सी टी के थ्रू आपको मिलेंगे तो सी यू टी में आपको डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने होंगे तो डोमेन सब्जेक्ट्स में जैसे ट्वेल्थ में आपके पास पीसीएम है या पीसी बी है या अकाउंट्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स है तो आप ये सारे चीजें भर सकते हो आपके लिए ये सारे ऑप्शन खुले हुए हैं बीसीए के लिए भी आपके पास ये सारे CUET के थ्रू BCA के भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको BCA करा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको BCA करा रही हैं तो अगर आपके पास फीस उतनी ज़्यादा आपके पे पेरेंट्स नहीं दे सकते इन दैट केस यू कैन गो फॉर बी एस सी ऑनर्स और यू कैन गो फॉर बी सी ए पर अगर आपके पास फीस के लिए पैसे हैं आप लोन ले सकते हो या आपका घर पे बैकअप अच्छा है तो आप बीटेक कर लीजिए बीटेक आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा इन दिस केस इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा मैं सारे आंसर्स देने के लिए रेडी हूं हमारे सी के कोर्सेज ऑलरेडी लाइव चल रहे हैं जो दो अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और जीटी सारे ही सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रहे हैं सो so, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जिसमें मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा अर्जुन सर पढ़ाएंगे अनुरता मैम पढ़ाएंगे तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं सेकेंड अप्रैल से हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं ये ऑफलाइन क्लासेस हमारी लखनऊ में चल रही हैं जिसमें हम लोग आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी दे रहे हैं तो अगर आप आउट ऑफ लखनऊ से हैं और आपको लखनऊ में रह के ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो आप मेरे साथ मेरे ही घर में मेरे ही इंस्टीट्यूट में होस्टल फैसिलिटी भी है जहां पे आप रहेंगे हमारे साथ मिलकर तैयारी करेंगे तो अगर आप सी की तैयारी करना चाहते हैं या आई पी मैट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग वो सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए करा रहे हैं ठीक है तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा पसंद आया तो भाई लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को ताकि उनको भी थोड़ी सी करियर के बारे में जानकारी मिले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल बाय जय हिंद अपना अपना ख्याल रखिए